बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्रिय स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा वीडियो लेक्चर है द यूज़ ऑफ कैन एंड मे। कैन और मे का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट में यानी एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस तरह आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक की तरफ आए, द यूज़ ऑफ कैन एंड मे। पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। मे का इस्तेमाल फिक्रे में इजाज़त, इम्कान या दुआ वगैरह के लिए करते हैं। मतलब फिक्रे में किसी से इजाज़त ली जाए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे कम इन सर, इम्कान हो सकता है कि आज बारिश हो, दुआ अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स। कैन का इस्तेमाल काबिलियत या अहलियत वगैरह के लिए करते हैं। ये कैन का इस्तेमाल फिक्रे में जो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपने काम करने की अहलियत हो, काबिलियत हो, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मैथ्स के सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द सम्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया स्ट्रक्चर यानी इसका फार्मूला या बनाने का तरीका। नंबर वन, सिंपल, सब्जेक्ट कैन मे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सादा। नंबर टू, नेगेटिव, सब्जेक्ट कैन मे नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ये हो गया हमारा मनफी। नंबर थ्री, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स कैन मे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सवालिया। नंबर फोर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स कैन मे सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सवालिया मनफी। अब हम जुमलों में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम सेंटेंस में कैन या मे का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट आ गई एग्जाम्पल्स, हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। इसमें फिक्रे में एक काबिलियत या अहलियत है, वी कैन कैच फिश। ये मरीज कड़वी दवा नहीं पी सकते हैं, ये हमारा अगला नेगेटिव, दीज पेशेंट्स कैन नॉट टेक बिटर मेडिसन। नंबर थ्री, इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, अब इस जुमले में इजाज़त है। नंबर फोर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चोर मकान में नकब क्यों नहीं लगा सकते हैं, वाई कैन द थीव्स नॉट ब्रेक इनटू द हाउस, ये हमारा अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये लास्ट जुमला मैंने लिखा है, इसमें मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी उम्र दराज करे, इसमें दुआ दी जा रही है। स्टूडेंट्स अगर आज का लेक्चर आप गौर देखते हैं तो इंशाल्लाह यकीनन आप उस पर भी आपकी कमाल हो जाएगी और आप इजीली कैन एंड मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो हम पास का करेंगे, फूड का इस्तेमाल और माइंड का इस्तेमाल को कैसे करेंगे। तो वीडियो ऑफ करने से पहले स्टूडेंट्स वन सेकेंड मेरे वहाँ पर जाएंगे गौर पर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर मेरा चैनल इंग्लिश विजाना एहसान के नाम से है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसमें ऑल ऑप्शन को सेट करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलता रहे और अपने दोस्तों को और कजन्स को भी इसका जो यूट्यूब मेरा चैनल है इसका लिंक सेंड करें ताकि वो बच्चे भी इससे इतना मुस्तफ़ हो सके जितना कि आप हो रहे हैं। जिस तरह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।